नमस्कार, दो दो कैमरे हैं यहाँ पे। सो सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम के स्टूडियो में मैं जम्मू शहर का सबसे कड़क लौंडा मानस हूँ, और आज मेरे शो पे एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा गेस्ट है जिसे बहुत कम स्टूडियो में देखा जाता है। एंड जब ये स्टूडियो में आया तो हमारा पूरा ऑफिस कहने लगा, अरे भाई साहब, ये इंसान स्टूडियो में कैसे। खैर, जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, एंड बाद में तो आपको पता लग जाएगा कि हु इज़ द स्पेशल गेस्ट हियर। इन सभी के लिए मैं बता दूं कि वी हैव विद अस हमारे जम्मू का एक प्रोमिनेंट रिपोर्टर, एक कमाल का रिपोर्टर, जो सुबह दोपहर शाम रात जहां पे भी मन करता है भाई ये पहुंच जाता है। जहां पे भी छोटी छोटी हरकतें हो रही हो, बड़ी बड़ी हरकतें हो रही हो, ये उसे कवर जरूर करता है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर आशीष कोहली। थैंक यू सो मच मानस, थैंक यू, और अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात आशीष, बहुत कम लोगों ने तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखा है, सच बता रहा हूँ। अदरवाइज तुम लोगों की हंसी ऐसे थोड़ी सी कम कर देते हो, और मेरे को बड़े सारे मैसेजेस भी आते हैं तुम हंसते क्यों नहीं हो। सो आज देखेंगे रेड एफएम के स्टूडियो में पहली बार इतना खुल के हंसते हुए आशीष कोहली को। सो आशीष, वेलकम टू द स्टूडियो मैन। थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे रेड एफएम 91.9 के स्टूडियोज में, और वो भी मानस, जम्मू का कड़क लौंडा। क्या बात भाई। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो तुमसे भी ये पूछना है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग अगर मुझे देख रहे होंगे तो वो भी तुमसे ही पूछना चाहते होंगे कि हाउ कम यार, मतलब घर वाले तुम्हें बोलते नहीं है कि घर आने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि सुबह से लेके रात तक, इनफैक्ट लेट नाइट तक भी तुम्हारे कुछ लाइव वीडियोज हम देखते रहते हैं। सो हाउ कम इट्स पॉसिबल, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते भाई? एनर्जी का राज जानना चाहता है मानस। पहले तो घर वालों की बात करता हूँ। घर वाले खास करके मम्मी कहती है, एकड़ा काम है तेरा, जेड़ा 24 घंटे तू बाहर है ना, एकड़ा काम है तेरा, मैनू भी पता लगे केड़ा काम तू करना ना। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि भाई काम तो काम है, आप क्या करें, ये काम है इस तरह का। और एनर्जी का राज बताने से अच्छा है मानस, मैं आपको ये बात बोलूँ कि जो लोगों से प्यार मिला है, जो लोगों से लगातार प्यार मिलता है, अब लोगों की रहती है डिमांड की हर जगह पर पहुँचूँ, और कहीं पे अगर नहीं पहुँचा हूँ तो लोग ये चाहते हैं कि आशीष वहाँ पर होना चाहिए। बस मैं उसी चीज़ को पूरा करने के लिए हर जगह पर पहुँचना चाहता हूँ, और सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ। और जितना अच्छा लगता है मुझे सोसाइटी के लिए काम करना, ठीक है घर से थोड़ी डांट खा लेता हूँ, लेकिन अपनी सोसाइटी के लिए मैं डांट खाने के लिए भी हमेशा खुश रहता हूँ। लवली मैन, सो दैट शुड बी द स्पिरिट। अभी इन्होंने नया नया टैटू एनग्रेव करवाया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बताओ आशीष की सबसे चैलेंजिंग काम क्या लगता है रिपोर्टिंग में? सबसे चैलेंजिंग काम मेरे को अभी तक ये लगा है कि खास करके कई ऐसी रिपोर्ट्स में करता हूँ, और कई रिपोर्ट्स में आज तक लोगों को इंसाफ भी मिला है, जस्टिस भी मिला है। क्योंकि हमारे जर्नलिज्म में क्या होता है कि हम कहीं पे भी कोई न्यूज़ बनाने जाए तो मानस लोगों का ये कहना है कि उस चीज़ का हल होना चाहिए, गवर्नमेंट सुने, पॉलिटिशियन सुने, उस चीज़ का हल निकले। तो जहाँ पर तो हल निकलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सोसाइटी के लिए काम होता है, कहीं जगह पर हमारी बात वहां तक नहीं भी पहुंचती है तो मुझे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन मैं उस चीज को हर दिन सोचता रहता हूं कि उसको मैं किस तरह से सरकार तक पहुंचाऊं, ताकि हर एक इंसान को अपना जो जस्टिस है वो जो चाहता है और जेन्युइन इश्यूज वो पूरे होने चाहिए। ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगता है, बाकी काम मुझे कोई चैलेंज नहीं लगता है। मैं 24/7 अपने जम्मू के लिए अवेलेबल हूँ। जम्मू कश्मीर लद्दाख का बहुत प्यार मिलता है मुझे, बस इसी तरह से मिलता रहे। क्या बात भाई। चलो जम्मू की बात की जाए तो रेड एफएम का जो ठप्पा है इस बार की, जो वैसे तो चार कैटेगरीज हो चुकी है, और जो पांचवी कैटेगरी है वो है जम्मू का बेस्ट पूड़ी चना कॉर्नर, राइट। सो तीन नॉमिनेशंस हैं, पहली है शंकर, दूसरी है रावलपिंडी, और तीसरी है बबली दी हट्टी। तीनों में अगर तुम्हारी पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो भाई साहब कौन सी है? फेवरेट बताने से पहले मानस मैं तुम्हारा थैंक्स करूंगा और पूरे रेड एफएम का, जिन्होंने मुझे स्पेशल इस पूड़ी चना के लिए बुलाया क्योंकि ये हमारा एक डोगरों की एक, मैं तो कहूँगा इसको एक धरोहर है। क्योंकि ये जो हम बड़े बड़े जो फूड कॉर्नर्स हैं, फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर तो पूड़ी चना खाते हैं, लेकिन जो हमारे जम्मू की पुरानी जगहें हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो जम्मू शहर की जो नई जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो उनको याद रखे, और उसके लिए बड़ा अच्छा काम एफएम कर रहा है। एफएम ने ये चीज़ बताई लोगों को कि हमारे जो तीन मेन पुराने फूड जो पूड़ी चना कॉर्नर हैं उनमें से एक शंकर दी हट्टी है जीवल में, आपको सबको पता है।
रावलपिंडी सिटी पीर मिठा में भी है, त्रिकुटा नगर में भी है उनकी, और साथ में अभी उन्होंने एक छन्नी में भी खोला है, और एक एक इन्होंने बताई तीसरी आपने बताई बबली दी हट्टी, बबली दी हट्टी पीर मिठा में। तो मेरे ख्याल से जो हमारी यंग जनरेशन मानस को फॉलो करती है, कम से कम मानस ने उन यंग जनरेशन को एक दिन के लिए ज़रूर मजबूर किया होगा कि आप यहाँ पर जाएँ। और मैं तो इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मानस का, क्योंकि अगर हमारे जम्मू की पुरानी चीज़ें, क्योंकि आप जानते हैं हमारी यहाँ की कलाड़ी बड़ी फेमस है, हमारे यहाँ के रामनगर के गोलगप्पे बड़े फेमस हैं, तो ये सब चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पंजाब की हर चीज़ फेमस है। हमारे जम्मू को प्रमोट अगर गवर्नमेंट नहीं करती, टूरिज्म नहीं करता, तो हम एज ए पार्ट ऑफ द मीडिया, एज ए पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन, हम अगर उसको प्रमोट करते बड़ा अच्छा है। अब बड़ा मुश्किल सवाल है, तीनों में से अच्छी किसकी है? तीनों की बहुत अच्छी है, और खास करके जब मैं खाने जाता हूँ तो मैं उनको जरूर बोलता हूँ थोड़ी ना करारी करके लाए हो। अब पता नहीं मानस आपने खाई है करारी करके? मैं तो करारी पूड़ी, करारी पूड़ी खाने का बड़ा मजा आता है, और जो उनकी साथ में वो चटनी देते हैं ना वो प्याज डाल के, तो उसका तो मजा ही कुछ हो रहा है, और मैं दो बार ही खाता हूँ वो। तो मेरे ख्याल से रावलपिंडी, रावलपिंडी को मेरा वोट इसलिए जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बबली की और शंकर की अच्छी नहीं है, उनकी भी बेस्ट है, लेकिन रावलपिंडी के साथ हमारा J&K और पाकिस्तान का एक लिंक है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि नहीं। रावलपिंडी में J&K का और पाकिस्तान का ये लिंक है, क्योंकि रावलपिंडी के जो ओनर हैं, जो उनके फोर फादर्स थे, वो पहले रावलपिंडी पाकिस्तान में ये पूड़ी लगाया करते थे, वहीं से ये चलते हुए आई है, और पाकिस्तान भी मिस करता होगा आज उनके रावलपिंडी की, क्योंकि जब पार्टीशन हुई 47 में, तो जब लोग यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ आ गए, लकीरें खिंच गई, तो उन सब चीज़ों के चलते साढ़े कोल उनमें थोड़ा डोगरी बोलना, क्योंकि थोड़े थोड़े फेसबुक ऊपर जय डुग्गर आ रहा थे। अरे क्या बात है, अंशिता मिश्रा जी लिख रही है जय डुग्गर जी, जय डुग्गर जी। बिल्कुल जय डुग्गर, ते साढ़े कोल रावल पिंडी दी पूड़ी आ गई, ते पाकिस्तान नू कई बार लगदा होना कि साड़ी रावल पिंडी दी पूड़ी जम्मू वाले लै गए, ते चंगी गल है जम्मू वाले लै गए दन, ते तुस भी जाओ, और जम्मू के जितने भी जिन्ने भी लोग साढ़ा ये वीडियो देखे करदे न, मानस नू फॉलो करदे न, ते मानस भी बड़ी शैल डोगरी बोलदा है, ते मानस मानस ते शो नू जिहड़े लोग देखदे न देखदे रहो, और मेरा वोट है रावल पिंडी नू, ते बाकी बबली जी भी भी पूरी अच्छी है और शंकर दी पूरी भी अच्छी है। ये भाई बहुत डिप्लोमेटिक हो गया लेकिन फिर भी चलो, आशीष का वोट जाता है इस समय रावलपिंडी को, और अगर अभी तक आपने वोट नहीं दिया है तो फटाफट से रेड एफएम इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाके अपनी बेस्ट पूरी चरा कॉर्नर के लिए वोट कीजिए, और अभी के लिए आशीष को मुझे लगता है कि बहुत सारी कॉल्स पीछे से आ रही है कि भाई साहब स्टूडियो में ही बैठे रहोगे या बाहर वाला काम भी करोगे, सो मुझे अभी बहुत सारे लोग ना ये तुमसे जानना चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें तुम्हारे पेज पे फॉलो करते रहते हैं वो, और तुम्हारे वीडियोस देखते रहते हैं, दिन में कितने वीडियोस बना लेते हो, मतलब कितने इंटरव्यूज और कितनी न्यूज कवर कर लेते हो? देखो मानस, 10 से कम वीडियो हो तो मुझे मजा ही नहीं आता है, कम से कम 10 होती है, और मैक्सिमम अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है 20 वीडियोस एक ही दिन में, अभी तक का मेरा वो रिकॉर्ड है, जिस तरह से आपका रिकॉर्ड होता है ना, कितना लोग सुनते हैं आपको, वही मेरा इस तरह का रिकॉर्ड है। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग पसंद करते हैं, जम्मू फॉलो करता है और कश्मीर फॉलो करता है, इसी तरह से आप लोग फॉलो करें, मानस को भी फॉलो करें, FM सुने। FM एक ऐसा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जिसमें आप उन चीज़ों तक पहुंच सकते हो जहां तक हम नहीं पहुंचते हैं। मैं सच बोलता हूं कि कहीं जगह पर हम नहीं पहुंचते जहां पर FM पहुंचता है, क्योंकि हम पूरा दिन J&K कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, टेररिज्म, पॉलिटिशियंस, ये वो, कोई किसी ने कुछ बयान दे दिया, कभी कोई कुछ कह गया, तो हम उनके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन FM एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जहां पर हम नहीं पहुंचते वहां FM पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ आपको मतलब कई बार एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, जम्मू की कुछ खास चीज़ें चाहिए, तो वहां पर FM से सुन सकते हो, और ये मेरा पहला शो है FM में जो मानस के साथ हो रहा है। अब पता नहीं कैसा हुआ वो तो मानस ही बताएंगे, वो तो अभी अभी ये जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे जाके बताएंगे लोग कि कैसा है। इनफैक्ट सभी कह रहे हैं कि आशीष भाई आप शान हो, मानस भाई थैंक यू सो मच, अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अभी मेरा भी शो चल रहा है और आशीष भाई ने भी अभी बाहर जाना है और बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। आप ऐसे ही रेड FM को सपोर्ट करते रहिए, आशीष भाई को सपोर्ट करते रहिए, और वोट पक्का दीजिए। फिलहाल के लिए तो आशीष भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड थैंक यू मानस, और जय हिंद। जय हिंद मेरे सभी जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको जय हिंद। मैंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक टैटो भी करवाया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये महेंद्र सिंह धोनी को मना कर दिया था, महेंद्र सिंह में खड़ा होना पड़ेगा मुझे, ये टैटो बनाया है। ये टैटो का भी एक बड़ा अच्छा मतलब बनाने का कारण है मानस, 2 मिनट में बता दूंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आर्मी का, इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट है, उनको ये बैच दिया जाता है, और मेरा ये इंडियन आर्मी को डेडिकेशन है। कोई मुझे पूछ रहा था कि ये परमानेंट है कि ये मतलब टेम्परेरी, तो मैंने उनको जवाब दिया, बड़ा अच्छा एक जवाब दिया, मैंने कहा कि
अगर आप इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कुछ करना चाहते हो तो जो करना है ना वो परमानेंट करना चाहिए, टेम्परेरी नहीं, आज कल की बात नहीं, परमानेंट। तो ये मेरा इंडियन आर्मी को समर्पित है और सपोर्ट है महेंद्र सिंह धोनी को, जिनको मना किया गया था आईसीसी द्वारा, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन ये हमारी तरफ से सपोर्ट है। लवली मैन, थैंक यू मानस, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो वंस अगेन। एंड आप ऐसे ही सुनते रहिए और देखते रहिए सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम। भाई साहब आप बोलेंगे बजाते रहो। हाँ, सुपर हिट 91.9 एफएम बजाते रहिए और फॉलो करते रहिए जम्मू के कड़क लोंडे मानस को। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।